अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक लंबी हदीस चल रही थी, उसका दूसरा हिस्सा पेश करती हूँ। इब्ने बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। इसके बाद तौबतन नसूख के बाद, तौबा का दरवाज़ा बंद होने के बाद, सूरज और चाँद की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि ये बेनूर हो चुके होंगे। तो उन्होंने पूछा कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो सूरज और चाँद का क्या हाल होगा, नीज़ अहले दुनिया और दुनिया वाले किस हाल में होंगे। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। फरमाया, हज़रत सल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद को नूर और रोशनी का लिबास पहनाया जाएगा और वो इसी तरह तुलू होंगे, तुलू और गुरूब होंगे जैसा कि वो पहले होते थे। नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे और लोग इनकी रोशनी में चीज़ों को देखना शुरू हो जाएंगे जैसे पहले देखते थे। हत्ता के ज़मीन में नहरें जारी हो जाएंगी, दरख्त उगते रहेंगे, इमारतें बनती रहेंगी और इसके बाद दुनिया की हालत ये होगी, यानी ये सारे काम नॉर्मल रूटीन में चलना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद दुनिया की हालत ये होगी कि अगर किसी आदमी की घोड़ी ने मग़रिब से सूरज तुलू होने के बाद, यानी एक दिन के बाद, मगरिब से सूरज तुलू होने के बाद किसी की घोड़ी ने बच्चा दिया होगा तो वो इस बच्चे पर सवारी नहीं कर सकेगा कि क़यामत कायम होगी। टाइम देखें कितना एग्जैक्ट बताया गया है कि ये काम जब शुरू हो जाएगा तो फिर सिर्फ इतना सा टाइम होगा, किसी बंदे की घोड़ी ने अगर बच्चा दिया है तो वो इस बच्चे के बड़े होने तक, क़यामत उससे, उसके बड़े होने से पहले क़यामत कायम हो जाएगी। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे घर वाले आप पर कुर्बान हों, सूर फूंके जाने के वक्त लोग किस हाल में होंगे। अब ये रूटीन वाइज बात चलती आ रही है कि ये नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त हम सारे दुनिया में जितने भी लोग उस वक्त ज़िंदा होंगे तो वो किस हालत में होंगे। फरमाया, ऐ हुज़ैफ़ा, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अपने हौस की लपाई कर रहा होगा मगर इसमें पानी नहीं डाल सकेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि क़यामत बरपा हो जाएगी इतना शॉर्ट टाइम, और सूर फूंक दिया जाएगा। अगर दो अफराद कपड़े की ख़रीदो फरोख्त में मशगूल होंगे तो वो सौदा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और ना ही वो अपना थान लपेट सकेगा और सूर फूंक दिया जाएगा। आदमी अपनी ऊँटनी से दूध निकाल रहा होगा लेकिन वो उसे पी नहीं सकेगा कि सूर फूंक दिया जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, वलयातियन्नहुम बग़तातुम वहुम ला यशऊरून, और यकीनन वो अपने वक्त मुकर्रर पर आकर रहेगी अचानक, इस हाल में कि इनको ख़बर तक नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, क़यामत इस तरह आएगी। लिहाजा बेखबरी में बहुत सारा वक्त यूं ही गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं। जितना भी वक्त जिस जिसके पास बचा है उसे चाहिए कि थोड़ा सा अपने सही काम में, कम से कम तौबा में और चंद नेक अमाल में गुजारने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबको हिदायत बख्शे। आमीन।